A very good morning to all the students. Children, today we will start chapter 3 of English grammar. Chapter 3, irregular plurals. We have already learned that numbers can be expressed in singular and plural form in English grammar. हम पहले भी ये लर्न कर चुके हैं कि नंबर्स को हम सिंगुलर और प्लूरल में एक्सप्रेस करते हैं इंग्लिश ग्रामर में. इन सम केसेस यू माइट हैव नोटिस्ड दैट द सेट पैटर्न्स ऑफ मेकिंग प्लूरल्स डू नॉट अग्री विद सम सिंगुलर नाउंस. सच प्लूरल्स आर नोन एज इरेगुलर प्लूरल्स. कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हम नोटिस करते हैं कि जो पैटर्न है, सेट पैटर्न होता है प्लूरल्स बनाने का, वो कुछ सिंगुलर नाउंस के साथ अग्री नहीं करता और उन प्लूरल्स को ही हम इरेगुलर प्लूरल्स कहते हैं. जैसे कि एज यू कैन सी इन दिस टेबल सम नाउंस फॉर्म देयर प्लूरल बाय चेंजिंग द इनसाइड वॉवल ऑफ द सिंगुलर एंड फ्यू नाउंस फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग ई एन टू द सिंगुलर. कुछ नाउंस के प्लूरल हम उसके अंदर जो एक वॉवल होता है उस वॉवल को चेंज करके बना देते हैं और कुछ नाउन के प्लूरल्स हम सिंगुलर नाउन में ई एन ऐड करके बना देते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैन, यहाँ पे एम ए एन, ए इज द वॉवल. सो जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे सो वी आर चेंजिंग द वॉवल ए टू वॉवल ई. एम ई एन, एम ई एन इज प्लूरल. इन द सेम वे सी एच आई एल डी, चाइल्ड, इट इज सिंगुलर. एंड व्हेन वी विल मेक प्लूरल ऑफ अ चाइल्ड वी विल ऐड आर ई एन और ई एन, सो इट विल बी plural. Next, some nouns remain the same in the singular and plural form. कुछ nouns जो हैं वो singular और plural दोनों form में ही same रहती हैं. For example, sheep, sheep, fish, fish. Fish is exception. At some places, we can use fishes. Aircraft, aircrafts, police, police, deer, deer, species, species. Some nouns have a plural form but take a singular verb. कुछ nouns के plural forms होते हैं लेकिन वो एक singular verb लेते हैं. For example, news, news. The news is very shocking. News is a singular noun but we take it as plural only. Athletics, darts, these are some examples. So children, this is a short chapter of irregular plurals. The chapter is over now. We will move towards the exercises.